हाय गाइज, मैं हूं आपका होस्ट इशफाक और आप देख रहे हो आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेके जॉब अपडेट। तो चलिए गाइज, मैं आपको आज की जॉब अपडेट प्रोवाइड करता हूं। एसएससी ने गाइज फ्रेश जॉब नोटिफिकेशन आउट की है। हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज इन्होंने आउट की है। बोथ मेल एज वेल एज फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम गाइज स्टार्टिंग डेट की बात करें तो ऑलरेडी से गाइज रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। एंड लास्ट डेट की अगर हम बात करें 16th of June 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर अगर हम गाइज बात करें टेंटेटिव, यहाँ पे इन्होंने रिटन एग्ज़ाम के लिए डेट भी मेंशन किया है जो कि CBT फॉर्मेट में होगा आपका September 2022 में। उसके बाद अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें गाइज, यहाँ पे डायरेक्टली हम वैकेंसीज़ पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आई है। पहले हम मेल कैंडिडेट्स के लिए जो वैकेंसीज़ आई है इनको डिस्कस करेंगे। मेल कैंडिडेट्स के लिए 559 टोटल ये वैकेंसीज़ आउट हुई है। अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो 217 वैकेंसीज़ आई है। EWS के लिए 50, OBC के लिए 123, SC के लिए 59, ST के लिए 54, टोटल 503 ये वैकेंसीज़ है। उसके बाद जो EX सर्विसमैन कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए 24, जनरल के लिए EWS के लिए 6, OBC के लिए 14, SC के लिए 6, ST के लिए 6, टोटल 56 है ये। एंड यही टोटल 559 वैकेंसीज़ बन जाती है मेल कैंडिडेट्स के लिए हेड कांस्टेबल की। उसके बाद अगर हम गाइस फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 119, EWS के लिए 28, OBC के लिए 67, SC के लिए 32, ST के लिए 30 एंड टोटल 276 हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज़ आउट हुई है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। उसके बाद गाइज आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे हम एज लिमिट के बारे में अगर बात करेंगे, उसके बाद इन्होंने एज लिमिट को मेंशन किया है 18 to 25 ईयर्स तक की जिन कैंडिडेट्स की एज होगी वो एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकते हैं। बट गाइज साथ ही में यहाँ पे इन्होंने एज रिलैक्सेशन भी मेंशन की है वेरियस कैटेगरीज़ के लिए। अप टू 5 ईयर्स की एज रिलैक्सेशन इन्होंने SC कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे मेंशन की है, अप टू 3 ईयर्स OBC के लिए, अप टू 35 एंड 38 OBC, SC ST 40, ठीक है, अपर एज लिमिट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो यहाँ पे आपको इन डिटेल में एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी, तो एज का यहाँ पे कोई इशू रहने वाला नहीं है। यहाँ पे ऊपर आपने देखा 18 to 25, उसके बाद एक्स्ट्रा SC ST के लिए 5, OBC के लिए 3, PWD अनरिजर्वड के लिए 10, PWD OBC के लिए 13, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स, तो ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया। उसके बाद अगर हम नीचे आए, मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्या है इस नोटिफिकेशन में वो हम जान लेते हैं। तो क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें गाइस, जो भी कैंडिडेट्स 12th पास होंगे वो एलिजिबल है, ठीक है, 12th पास कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए, बोथ मेल एज वेल एज फीमेल। तो इन वैकेंसीज़ के लिए आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका फिज़िकल टेस्ट होगा जिसमें रेस वगैरह भी आपको करनी होगी। एंड साथ ही में गाइज आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो होनी चाहिए 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश एंड हिंदी 25 वर्ड्स पर मिनट। उसके बाद यहाँ पे अगर हम नीचे आए, मज़ीद इम्पॉर्टेंट क्या है वो जान लेते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है गाइज, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेब पोर्टल से जो कि है ssc.nic.in। ऑनलाइन वे में आप खाली अप्लाई कर सकते हो इनके ऑफिशियल वेब पोर्टल से। एंड जो एप्लीकेशन फ़ी है गाइज वो टोटल 100 रुपीज़ है, यानी 100 रुपीज़ फ़ी आपको पे करना है जब आप अपना फॉर्म सबमिट करोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो SC कैंडिडेट्स है, ST, PWD एंड EX सर्विसमैन, उनके लिए गाइज कोई फ़ी नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम नीचे आए, मज़ीद यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट है, जी हाँ, अगर हम UT JNK एंड लद्दाख की बात करें, जो आपके एग्ज़ाम सेंटर्स है वो यहीं पे रहने वाले हैं। जो JNK से अप्लाई करेंगे उनका एग्ज़ाम सेंटर जम्मू में रहेगा, सांबा में रहेगा, श्रीनगर में रहेगा। एंड जो UT लद्दाख है उनका लेह में एग्ज़ाम सेंटर रहेगा वहीं पे। उसके बाद अगर हम नीचे आए, यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो आपका यहाँ पे इन्होंने CBT फॉर्मेट में आपका रिटन एग्ज़ाम होने वाला है जो कि SSC कंडक्ट करेगा। तो 100 मार्क्स आपके होंगे एंड टाइप टेस्ट के 25 मार्क्स है। उसके बाद अगर हम नीचे आए, यहाँ पे सिलेबस को भी इन्होंने मेंशन किया है, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर फंडामेंटल जिसमें आपको MS Excel, MS Word, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यू डब्ल्यू
ठीक है, एंड वेब ब्राउज़र एट्सेट्रा, ये सब इन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। तो यही आपका सिलेबस रहने वाला है इन वैकेंसीज़ के लिए। तो यहाँ पे इन डिटेल में भी इन्होंने सिलेबस को दिया हुआ है कौन से लेक्चर्स आपको पढ़ने हैं। तो ये रहा गाइज आपका सिलेबस। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें आपके फिजिकल टेस्ट की, तो गाइज आपकी जो रेस होगी रिटन टेस्ट के बाद, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने टाइमिंग वगैरह भी मेंशन की हुई है कि कितने मिनट्स में कैंडिडेट्स को रेस क्वालिफाई करनी है, वो भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा इसी नोटिफिकेशन में। आई थिंक 6 से 7 मिनट यहाँ पे इन्होंने रखे हैं 1600 मीटर्स के लिए, यानी 1.5 किलोमीटर आपको 6 से 7 मिनट में कंप्लीट करने होंगे। तो जो कर पाएंगे वही कैंडिडेट्स फिर एलिजिबल हो जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो ये यहाँ पे इन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हुई है कैसे आपको फॉर्म फिलअप वगैरह करना है। तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट को विज़िट कीजिए, वहाँ से आप इजीली से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हो। तो गाइस अच्छी वैकेंसीज़ है, आपके पास 100% चांस से सिलेक्शन होने का। अप्लाई कीजिए, स्टडी कीजिए, ठीक है, जो इन्होंने सिलेबस दिया हुआ है उसको प्रिपेयर कीजिए, जाइए रिटन एग्ज़ाम दीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए। तो जो भी रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेंगे उनका फिर फिजिकल होगा, एंड बोथ मेल एज वेल एज़ फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, एंड वैकेंसीज भी अच्छी है। तो ओके गाइस थैंक्स, ये थी आज की जॉब अपडेट। आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आए, और आपको पसंद आए गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड अगर आप में से कोई फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो गाइस डेली अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपकी रेस होने वाली है अप टू 30 ईयर्स तक के जिन कैंडिडेट्स की एज होगी उन्हें 800 मीटर्स 5 मिनट में करने होंगे। ये शायद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए होगा, हाँ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। फीमेल कैंडिडेट्स में जिनकी एज 30 से 40 होगी उनको 6 मिनट्स में 800 मीटर्स करने होंगे, एंड अबव 40 ईयर्स जो होंगे उन्हें 7 मिनट्स में 800 मीटर्स की रन कंप्लीट करनी होगी। साथ ही में लॉन्ग जंप 9 फीट का, 8 फीट का, एंड 7 फीट का करना होगा। हाई जंप भी यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है। तो मेल कैंडिडेट्स के लिए 7 मिनट्स में 600 मीटर्स की रेस होगी, एंड उसके बाद अगर हम बात करें एबो 30 तो 40 ईयर्स तक की जिनकी एज, उनको 8 मिनट्स में कंप्लीट करना होगा। एबो 40 ईयर्स 9 मिनट्स में, यहाँ पे भी लॉन्ग जंप हाई जंप इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो पहले आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। तो गाइज जो ये नोटिफिकेशन है इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, आप खुद भी इसे चेकआउट कर सकते हो। ओके थैंक्स गाइज, आई होप कि आपको वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आए, और आपको पसंद आए वीडियो को गाइज लाजमी से लाइक कर देना, एंड साथ ही में एक प्यारी सी कमेंट कर देना। ओके थैंक्स।